प्रदेश कार्यालय कांग्रेस पर जमकर गदर। दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर गोबर पोते मारे गए जूते। गोविंद सिंह और जीतू पटवारी की नेम प्लेट तोड़ी। टिकट ना मिलने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने जमकर किया हंगामा। जूते मारो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी की। शनिवार को सूची जारी होने के बाद बीजेपी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। भाजपा कार्यालय जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई झूमा झटकी। सतना और मैहर जिले के सभी मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने की शहरवासियों से अपील। आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष है कि चुनाव की प्रक्रियाएं अपनी पूर्ण गति से प्रारंभ हो गई है। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। चुनाव अगर जरूरत पड़ती है तो 17 नवम्बर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मेरे सतना जिले के सभी वासियों से, सतना और मैहर जिले के सभी वासियों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग इस मतदान की प्रक्रिया में, इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मझगवा विकासखंड क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय लालपुर कोरियान में मिल रहा घटिया किस्म का माध्यान्ह भोजन, समूह संचालक की मनमानी एवं शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते बच्चों के निवालों पर डांका डाल रहे जिम्मेदार। सांसद गणेश सिंह पहुंचे ऋषभ सिंह के घर, उनके समर्थकों से की मुलाकात। सांसद ने कहा, नागौर से युवा को मिलना चाहिए था मौका। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में एक एक सीट अहम मानी जा रही है, मगर टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों में इजाफा होने लगा है। भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद पाकिस्तान में ढेर। अज्ञात हमलावरों ने उतारा मौत के घाट। वजीरिस्तान में लश्करे जब्बार के संस्थापक दाऊद मलिक को दिन दहाड़े गोली से भून दिया गया। दाऊद भारत में मोस्ट वांटेड जैसे मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर का बेहद करीबी था। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट में मलिक की मौत की पुष्टि हुई। खबरों के मुताबिक उत्तरी वजीरिस्तान के मिराली में मलिक का काम तमाम कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मलिक को मारने वाले वारदात को अंजाम देने के बाद भागने में रहे कामयाब। और टिकट वितरण से नाराज गगनेंद्र समर्थक पहुंचे भाजपा कार्यालय। सैकड़ों की तादाद में समर्थक हुए इकट्ठा। कार्यालय के गेट के सामने बैठे कार्यकर्ता, संगठन पर लगाया तानाशाही का आरोप। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 5 साल संघर्ष हमारा नेता करे, सर्वे में उनका नाम आए और टिकट किसी और को दे दी जाए। गगनेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद।